नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ईशु बिश्नोई। आज मैं एक न्यूरोसर्जन हूं और मैं आज आपको एक बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है ट्राइजमाइनल न्यूरेल्जिया। इसको हिंदी में चेहरे पे करंट नाम की समस्या भी कहा जाता है और यह बीमारी काफ़ी ज़्यादा मिलती नहीं है और इसीलिए इस बीमारी के अंदर आदमी को समझ नहीं आता कि ये किस प्रकार से आती है, पर बुजुर्गों के अंदर यह बीमारी ढूंढने पर मिल जाती है। इसके कुछ लक्षण जिनसे यह बीमारी पहचानी जा सकती है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसके अंदर चेहरे के आधे हिस्से में करंट जैसे दर्द आता है और यह दर्द या तो आँख से ऊपर आएगा, आँख से नीचे आएगा या जबाड़े के ऊपर जो चमड़ी होती है उसके ऊपर आता है। यह ज़्यादातर ठुड्डी के नीचे नहीं जाता है। इस तकलीफ के अंदर कभी भी जो दर्द होता है वो लगातार नहीं आता, बीच में कुछ देर के लिए बहुत जोर से दर्द आता है और उसके बाद वह दर्द अपने आप बंद हो जाता है। यह दर्द हवा से, पानी से, छूने से या चेहरा धोने से या बोलने से या खाना खाने से लग सकता है और इसमें जो दर्द होता है वह हमेशा ही बहुत तेज होता है, हल्का नहीं होता है। और इसकी खास बात यह है कि यह चेहरे के अंदर अगर मध्य में एक लाइन खींची जाए तो उस लाइन के इधर या उधर नहीं जाता, एक ही तरफ रहेगा, जैसे कि अगर या तो दाएं हिस्से में आएगा या बाएं हिस्से में आएगा। तो इस तरह से यह बीमारी पता लगती है, पर क्योंकि यह बीमारी के बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है तो लोग इससे कारण गलत जगह पर इलाज करा बैठते हैं। कई बार वो सोचते हैं दांत की समस्या है, कई बार वो सोचते हैं आँख की समस्या है, कई बार वो मसूड़ों की समस्या है। इस चक्कर में ज़्यादातर लोग या मरीज दांत निकलवा कर ही न्यूरोसर्जन के पास पहुंच पाते हैं और इस चीज़ के जो स्पेशलिस्ट हैं या इस रोग के जो विशेषज्ञ हैं वो न्यूरोसर्जन होते हैं। अब अगर आपको ये बीमारी समझ आ जाती है तो न्यूरोसर्जन से संपर्क करें, उसके बाद न्यूरोसर्जन आपसे ये बातें पूछ के ये बीमारी को बताएंगे। और इस बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा कोई अलग अलग तरीके के टेस्ट नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक ही अच्छा टेस्ट होता है जिसका नाम है MRI ब्रेन। इसके अंदर दिमाग की रंगीन एक्सरे करा जाता है और जो चेहरे को सप्लाई करने वाली या चेहरे को जो जाने वाली नस होती है जिससे हम लोग चेहरे पर महसूस करते हैं उसके ऊपर कोई खून की नस का दबाव देखा जाता है। यह न्यूरोसर्जन तथा रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग बता पाते हैं। इस तरह से यह बीमारी पूरी तरीके से पक्की की जाती है कि यही है। अब बीमारी का पूरा पता करने के बाद में इसका इलाज है वो अलग अलग किस्म का है। यह इलाज तीन तरीके का होता है, इसमें दवाई भी दी जाती है। इसके अंदर जो दवाई दी जाती है वो कुछ दवाइयाँ जैसे कार्बामाजेपिन, गाबापिन, नोरट्रिप्टिलिन ये हैं। इनसे थोड़ा नशा रहता है और ये उम्र भर खानी पड़ती है, ये रोग को ख़त्म नहीं करती है, ये सिर्फ दर्द को कम करके छोड़ देती है। इसके बाद कुछ इलाज आते हैं जैसे चेहरे की नस के ऊपर कुछ टाइप की दवाई छिड़क देना या चेहरे की नस को कुछ किरणों से थोड़ा जला देना जिससे कि यह दर्द कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाता है। इनको रेडियो फ्रीक्वेंसी एबलेशन या RFA कहते हैं। इससे भी यह बीमारी 6 महीने से लेके 1 साल तक बैठ जाती है। इसका जो परमानेंट या फाइनल इलाज जो है वो ऑपरेशन है जिसके अंदर जो नस होती है उसके ऊपर दूसरी जो भी खून की नस का दबाव होता है उसको दूर किया जाता है। यह ऑपरेशन कान के पीछे की जो हड्डी होती है उस पर चीरा लगा के वहाँ से हड्डी हटाकर दिमाग में एंट्री करने के बाद नस से दबाव हटा के किया जाता है। यह ऑपरेशन बहुत ही कम जगह पर और बहुत कम न्यूरोसर्जन करते हैं क्योंकि यह ऑपरेशन टेक्निकल या मुश्किल होता है, लेकिन इस ऑपरेशन से इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। और इस ऑपरेशन का जो नतीजा है वो बहुत अच्छा है, जिंदगी भर के लिए इसमें इलाज आराम आने का जो प्रतिशत है वो लगभग 90% तक है। और इस ऑपरेशन के जो खतरनाक दुष्प्रभाव है या कोई नुकसान है वो बहुत कम है। जैसे ज़्यादातर दिमाग की ऑपरेशन जो होते हैं उनको काफ़ी ख़राब माना जाता है कि आदमी को लकवा आ सकता है, गूंगापन आ सकता है या इन्फेक्शन, यह सब इस ऑपरेशन के अंदर लगभग ना के बराबर है। तो काफ़ी सुरक्षित ऑपरेशन है और यह बीमारी जिन बुजुर्गों को या जिनको भी होती है वो बेचारे पूरी ज़िंदगी के लिए परेशान रहते हैं। अगर उनको सही जगह पर सही तरीके के डॉक्टर से मुलाकात हो जाए, सही न्यूरोसर्जन मिल जाए तो इस बीमारी से वो ज़िंदगी भर के लिए छूट सकती है। तो अगर आपके भी घर के अंदर कोई बुज़ुर्ग है जिनको आधे चेहरे पे करंट लगता है, जो बोलने पर या छूने पर या फिर चेहरा धोने के ऊपर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं,
तो आप अपने आसपास के जो न्यूरोसर्जन हैं उनसे मिलें और इस बीमारी के बारे में पता करें और इसका सही इलाज लें। मैं खुद इस चीज़ का काफ़ी बड़ा एक्सपर्ट हूँ और मैं लगभग 100 से ऊपर इस चीज़ के ऑपरेशन कर चुका हूँ। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप इस नंबर पे जो YouTube पे दिया है इस पे भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो मेरा Facebook पेज है उसके ऊपर मुझे अपनी बीमारी के बारे में भेज सकते हैं। मुझे आपकी मदद करने में बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।